अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन कटलेट की रेसिपी, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। एक चम्मच मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसे 1 से 2 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। तो देखिए 1 से 2 सेकंड हो चुके हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। इसे भी 1 से 2 सेकंड के लिए सौते कर लेना है। 1 कप मैंने यहाँ पे गाजर को अच्छी तरह से ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैंने शिमला मिर्ची 1 कप इसमें ऐड कर दिया है। इसे 1 से 2 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे। 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्ची इसमें ऐड कर दी है और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। सारे मसाले को एकदम अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन को बॉईल कर इसे मिक्सर के जार में ऐड करके इस तरह से इसका रेशा बना लिया था। आप चाहे तो इसे हाथ से भी रेशे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन इसमें ऐड कर दिया है बॉईल किया हुआ। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में ले लिया है 1/2 कप दूध और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन का स्टॉक, जो मैंने चिकन बॉईल किया था वो इसी का ही पानी है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी मैदा, तो 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें कि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम चलते हैं कुकिंग की नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस का फ्लेम लो कर मैंने एक कढ़ाई में ऐड कर दिया है 1 चम्मच मक्खन। मक्खन को अच्छी तरह से पिघल लेना है। अब मक्खन अच्छी तरह से पिघल चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बना के रखी हुई थी, वो इसमें ऐड कर देंगे। और गैस के फ्लेम को ध्यान रखिएगा, लो ही रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं। इसे चम्मच चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे हम। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से ये हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, जो हमने चिकन का मसाला बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम। तो 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और साथ ही मैं ऐड कर देंगे धनिया पत्ती, जिसे मैंने एकदम बारीक बारीक सा चॉप करके इसमें ऐड कर दी हूँ। इसे भी मिक्स कर देंगे। तो एकदम अच्छी तरह से इसे मिक्स करिएगा। तो अब ये मिक्स हो चुका है तो हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। जैसे हम आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसे गूंदेंगे थोड़ा, 2 से 3 मिनट के लिए। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अपने हाथों पर मैंने 2 बूंद ऑयल की लेकर अच्छी तरह से रब कर लिया है। और इस तरह से मैं एक पोर्शन ले लूँगी इसका, एकदम गोल गोल सा गोला बनाकर, जैसे हम सीख बनाते हैं उस तरह से मैं इसे शेप दे दूँगी। आप चाहे तो इसे टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे कटलेट रेडी कर लिए हैं। तो मैंने इसमें डिप कर दिया है मैदे के घोल में। तो मैदे का घोल बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा और 1 कप पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा।
तो ब्रेड क्रम में मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम की कोटिंग कर लेना है हमें, तो इस तरह से हाथों की मदद से हम कोट कर लेंगे कटलेट को। और इसी तरह से हमें सारे कटलेट कोट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम में सारे कटलेट कोट कर लिए हैं। एक पैन ले लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। पैन में ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने पर मैंने इसमें कटलेट ऐड कर लिया है। तो सारे के सारा कटलेट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे हम एक साइड से पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये गोल्डन ना हो जाए तब तक पका लेंगे। तो देखिए एक साइड से गोल्डन हो चुका है, तो हम इसे दूसरी साइड से गोल्डन कर लेंगे। तो अब हमारे कटलेट एकदम रेडी है खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही में प्रेस कर दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन बेल को।